हेलो फ्रेंड्स, स्वाद की हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गेहूं के आटे की बर्फी। तो उसके लिए मैं गेहूं की आटा एक कटोरी ली हुई हूँ, 2 बड़े चम्मच मैं घी डाल रही हूँ। उसमें गेहूं का आटा मैं डाल दूंगी, 1 कटोरी गेहूं का आटा है। गेहूं के आटे की बर्फी में घी थोड़ा अच्छा डालना होगा, तभी बर्फी अच्छा बनेगा। घी हमारा छोड़ने लगा है, कलर भी आ गया है। अभी मैं एक बर्तन में निकाल लूंगी। अभी मैं चीनी डालूंगी, 1 कटोरी चीनी है। पानी मैं डालूंगी, 1/2 कटोरी से भी कम पानी मैं डालूंगी। एक अच्छा सा सीरा तैयार करूंगी। बराबर चलाते रहेंगे, चीनी घुल जाए। देखिए हमारा सीरा तैयार है, हाथ पे चेक कर लेंगे। अभी और पकाएंगे। इलायची के दाने मैं डालूंगी। इसको भी चला लूंगी अच्छे से। अभी जो मैं गेहूं के आटे का मिश्रण निकाली हुई थी, मैं उसको इसमें डालूंगी सीरे में। अभी उसको चलाऊंगी, मैं चलाती रहूंगी बराबर। इसके भी बर्फी बहुत ही अच्छे बनते हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी रहता है। और फ्रेंड्स, जब इसको तब तक हम चलाएंगे जब तक ये जमने लायक ना हो। इसमें मैं नारियल का बुरादा डालूंगी, कुछ सूखे मेवे डालूंगी, चलाऊंगी। तो उसको बराबर चलाती रहूंगी कि बर्फी जमने लायक हो जाए, तब तक मैं चलाऊंगी इसको। देखिए कढ़ाई भी उस पर छोड़ने लगा है। अभी मैं एक बर्तन में घी लगा लूंगी अच्छे से चारों तरफ। अच्छे से घी लगने पे अच्छे से बर्फी को निकालने में भी आसानी होती है। अब उसमें मैं सारे बर्तन में उस निकाल लूंगी बर्फी के मिश्रण को। देखिए फ्रेंड्स, पंखे के नीचे मैं रखी हुई थी बर्फी, कितना अच्छा सूख गया है। अभी मैं उसको काटूंगी। देखिए कितना अच्छा कट रहा है बर्फी हमारा। जो घी लगा हुआ है थाली में, वो भी इसीलिए अच्छे से घी लगाया है कि जल्दी से बर्फी अच्छे से निकल जाए, कोई दिक्कत ना हो निकालने में। देखिए कितना अच्छा निकला हुआ है बर्फी। तो फ्रेंड्स देखिए, एकदम मार्केट जैसी बर्फी लग रही है। लग रहा है कि मार्केट से ही बर्फी ला के यहाँ पे रखी हुई हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप बनाएं गेहूं के आटे की बर्फी, तो ट्राई करें आटे की बर्फी।